भगवान जो जो बड़ा करते हैं काम लेते हैं रोकड़ा, करते हैं काम लेते हैं रोकड़ा। वो मेरे गुरु मेरे उस्ताद जो मेरे सब कुछ है जिनके नाम से मैं चल रहा हूं वो है प्रेम चोपड़ा। एक शेर कहूंगा प्रेम चोपड़ा जी, प्रेम चोपड़ा जी जब उबलते हैं तो समुंदर उबलता है, जब ये पिघलते हैं तो पर्वत पिघलता है, जब ये मचलते हैं तो तूफान मचलता है, जब ये बदलते हैं तो पूरा इतिहास बदलता है। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। आज मैं यहाँ आया, मुझे प्रेम चोपड़ा जी ने बुलाया कि आप आइए यहाँ पर, और मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं 20 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने न जाने कितने स्टेज शोज किए देश विदेश में इनका नाम लेके, प्रेम नाम है मेरा बोल बोल के, और कितनी सीरियल है की मूवीज की। अभी मेरी एक सीरियल आ रही है भाभी जी घर पर है, मैं प्रेम जी की ही एक्टिंग करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें नमन करता हूँ एकदम, ये आशीर्वाद, और आप इजाजत दें तो आपकी फिल्मों के डायलॉग्स। भैंस जब भी पूंछ उठाएगी गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं हूँ, सीधा निकल जाता हूँ। लकड़ी तो कट गई सांगा, अब तुम रात काटने की सोचो, क्योंकि कल सुबह तुम्हें फांसी होने वाली है। कल सूरज की पहली किरण तुम्हारी आखिरी सांस तक खींच लेगी सांगा। अगर आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई तो नंगा नाएगा क्या, हाथ निचोड़ेगा क्या। थैंक यू। और एक फिल्म का डायलॉग, फिल्म बेईमान पिक्चर से डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, डायलॉग में पंच है। नीलिमा जी प्राण साहब की बहन है, राम सिंह हवलदार की बहन, और हमारे सर प्रेम चोपड़ा जी डीआईजी के बेटे हैं, जो शहर के डीआईजी हैं प्रेमनाथ जी, और ये डीआईजी के बेटे हैं और वो हवलदार राम सिंह की बहन है। तो प्रेम जी आते हैं, बोलती है आगे बढ़ने से पहले सोच लो मैं हवलदार राम सिंह की बहन हूं, तुम भी पीछे हटने से पहले ये सोच लो मैं डीआईजी का एक लौता बेटा। फिल्म कटी पतंग में आते हैं, हाँ और ये चैन किसी को चांद पड़ताल के लिए मत बताना, ये है तो सोने की मगर अंदर से पूरे पीतल की है, नकली माधवी नकली चैन। और हाँ बच्चे को अगर खिलौने पसंद आए हुए तो मैं होटल हिल्टन में ठहरा हूं, फोन करके बता देना बच्चे को खिलौने कैसे लगे। पाक मोहब्बत में तो साथ दिया नहीं, यहाँ पर मोहब्बत में भी इरादे बदल रही हो मेरी जान। वाह क्या खूब रूप निकला है तुम्हारा माधवी। थैंक यू। और एक डायलॉग फिल्म हिम्मत से, जितेंद्र साहब भी बैठे हुए हैं जरा जोरदार तालियां हो जाए। हिम्मत फिल्म से, रघु पुलिस वालों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अरे भाई पैसे कमाने हैं तो कमाओ, लाख दो लाख कमाओ, 5-6 हजार दान कर दो जैसे सब अमीर आदमी करते हैं। रघु जो जेल के तनाइयों में भी कुछ न बता पाया वो अब क्या पुलिस को बताएगा। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में और मेरी गर्दन तुम्हारे हाथ में, जब चाहूं तब मसल के फेंक सकता हूं। थैंक यू। एक सॉन्ग जो मैं खाली छोड़ा है, कितना मजा आ रहा है, इन्होंने जो डांस किया था वो मैं सॉन्ग हमेशा स्टेज शो पे करता हूं। लगा दीजिए, आप लगा दीजिए।